आपके टीम की बॉलिंग काफी अच्छी रही है, तो आप कुछ बता सकते हैं आपकी टीम का बॉलिंग प्लान क्या था और आप लोग ने क्या सोचा था आप बॉलर्स कैसे स्टडी करेंगे सुपरनोवा के बैटर्स को? जैसे हम लोग काफ़ी टाइम से जैसे हम लोग यहाँ पर आए 6 डे क्वारंटीन थे, तो हम लोगों ने उस टाइम पे भी ऐसे आपस में जो भी बॉलर थे बात कर रहे थे, उनके बैट्समैन को डिस्कस कर रहे थे। और जब हम लोग के यहाँ पर ओपन नेट्स मिला तो तब हम लोगों ने थोड़ा विकेट देखा कि जैसे स्लो विकेट है, और जैसे बॉयज़ के मैचेस भी हो रहे थे तो मेंस आईपीएल में भी देखा विकेट स्लो है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने प्रिपेयर किया कि कैसी बॉल करनी है, किस लेंथ में डालनी है और किस बैट्समैन का क्या स्ट्रॉन्ग जोन है, उस पर हम लोगों ने वर्क किया। लास्ट 5 ओवर में 50 रन की जरूरत थी, तो आप लोग ने क्या स्ट्रैटेजी बदली आपकी ताकि आप लोग स्लो ट्रैक के रन हिट कर सकें? जैसे लास्ट ओवर में 50 रन चाहिए थे तो उस टाइम पे थोड़ा हमको डिफिकल्ट लग रहा था, पर जब सुषमा ने और सुने ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और उन लोगों ने जब हिट करे तो फिर लगा कि हम अभी क्लोज आ गए। हमारा मतलब यही था कि क्लोज लाना है मैच को, जितने लास्ट ओवर तक ले जाना है, और उन दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और सारा विनिंग का श्रेय उनको ही जाता है। आपकी टीम में एक अच्छा मिक्स है टैलेंट और एक्सपीरियंस का, आप लोग सब कैसे एक साथ ट्रेन करते हैं और थोड़ा आप बता सकते हैं कि ये बबल में स्पेशली कोचेस के साथ आप लोग कैसा फोकस कर रहे हैं आपकी गेम की तरफ? हमारी टीम में जो है मिक्स है, सारे एक्सपीरियंस भी है और यंग टैलेंट भी है, तो अभी जैसे ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग हमसे ऐसे बात करने में डरते कि हम सीनियर हैं, हम सब ऐसे मिलके रहते हैं, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अभी जैसे जो हम ओवरसीज़ प्लेयर हैं वो लोग भी बहुत काफ़ी अच्छे हैं और वो लोग भी काफ़ी मजाक मस्ती करते रहते हैं, और सुमन मैम तो खैर कुछ बोलते ही नहीं है, जो करना है वो कर लो। सुमन मैम से सबकी अच्छी बॉन्डिंग।